पार्ट टू की शुरुआत वहीं से होती है जहां विन कहता है, मैंने बटरफ्लाई को नहीं मारा, बल्कि वो बटरफ्लाई ही है जो मुझे हर्ट कर रही है। नाभी को जब पता चलता है कि डैड ने विन को यहां जॉब करने की परमिशन दे दी है तो वो शॉक्ड हो जाती है एंड जाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है। बट तभी रास्ते में उसे आंट वी मिल जाती है जो उसे अंदर नहीं जाने देती। वेल, यहाँ आंट वी नाभी की काफ़ी बेइज्जती करते हुए उसे विन से दूर रहने के लिए कहती हैं। नाभी कहती है, पहले मुझे लगता था कि आपको आपकी बहन की चिंता है, बट मैं गलत थी क्योंकि उस दिन मैंने आपको देख लिया था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो विन की मॉम की फ़ोटो के पास जाकर उनसे कहती हैं कि तुम स्वर्ग में आराम से रहना मेरी बहना, यहाँ मैं तुम्हारे बेटे और पति दोनों का ध्यान रख लूँगी। एंड देन फूलों को नीचे फेंक कर वहाँ से चली जाती हैं। वो कहती हैं, फ्लावर तो बस गलती से गिर गया था। नाभी कहती है, अगर वो गलती थी तो फिर दोबारा आपने उसे उठाया क्यों नहीं, क्योंकि वो आपने जानबूझकर फेंका था। सेम नाइट जब विन सो रहा होता है तो आंट वी उसके पास जाकर बैठ जाती हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि विन की मॉम अपने मॉम एंड डैड पर काफ़ी गुस्सा कर रही थी क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने बताया था कि वो माँ नहीं बन सकती। तभी पीछे से आंट वी आकर कहती हैं कि मैं तुम्हारे बेबी की सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे अपने पेट में पूरे 9 महीने तक पालूंगी और जैसे ही वो पैदा हो जाएगा तो तुम उसे ले लेना। आफ्टर दैट हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वेल, इसी बीच आंट वी विन के डैड के काफ़ी क्लोज आ गई थी क्योंकि अपने बेबी का ध्यान रखने के लिए वो हमेशा आंट वी के पास ही रहा करते थे। एंड गाइस गेस व्हाट, वेल यहाँ हमें पता चलता है कि धीरे धीरे आंट वी विन के डैड को पसंद करने लगी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग आंट वी प्रोफाई अपने एम्प्लॉय को विन का फ़ोन हैक करने के लिए बोलती हैं ताकि अगर वो किसी लड़की को या फिर कोई लड़की विन को मैसेज करे तो उन्हें पता चल सके, क्योंकि वो नहीं चाहती कि विन की लाइफ में कोई लड़की आए जो कि उसके लिए उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। वहीं दूसरी तरफ विन जब शार ले रहा होता है तो वो अपनी एंड नाभी की कुछ पुरानी बातों को याद करता है जहां उसने नाभी को एक हैंडमेड बटरफ्लाई पिन बना कर दी थी जिसे नाभी ने लेने से मना कर दिया था। नाभी कहती है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? विन कहता है, तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि जो चीज़ें तुम्हारे लिए वैल्यूएबल होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो महंगी ही हों। दैट्स वाई इस पिन को मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, जिसे देख कर नाभी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। नाभी कहती है, मैं ये बटरफ्लाई नहीं ले सकती और ना ही हम दोनों कभी एक हो सकते हैं क्योंकि तुम्हारी मॉम मुझसे और मेरी दी से नफरत करती हैं। जिसे सुनकर विन उसे हक करते हुए कहता है कि मेरी मॉम क्या सोचती हैं, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस हमारे बारे में सोचो और हाँ प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ नाभी भी उसी क्लिप को देखते हुए उन्हीं सभी पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रही थी। नाभी कहती है, आई एम सॉरी विन, क्योंकि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, हमारा प्यार इम्पॉसिबल है। वेल, यहाँ एंट्री होती है नाभी के मेल बेस्ट फ्रेंड पोंग की जो कि एक फेमस यूट्यूबर है। पोंग कहता है, क्या तुम्हारी फ्रेंड आज यहाँ आने वाली है? नाभी कहती है, ओ हेलो, अब एक्टिंग करना बंद करो, तुम्हें पहले से पता था कि वो यहाँ आने वाली है तभी तो तुम यहाँ आए हो। पोंग कहता है, देखो ऐसा है कि अब मेरे मन में ना उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। नाभी कहती है, और ब्रेकअप किसने किया? मेरी फ्रेंड ने, तुम तो करना भी नहीं चाहते थे। पोंग कहता है, जल्दी खाना लगाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। नाभी कहती है, जब तक मैं खाना प्रिपेयर कर रही हूँ तब तक तुम मेरी लॉन्ड्री कर दो। वो कहता है, व्हाट, मैं एक लड़का हूँ और तुम मुझसे घर के काम कराओगी? नाभी कहती है, देन गेट आउट, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो मेरे घर से निकल जाओ। और फिर क्या था, जिसके बाद तो उसे ना चाहते हुए भी लॉन्ड्री का काम करना पड़ता है। तभी कोई डोरबेल नॉक करता है तो उसे लगता है कि शायद ये नाभी की फ्रेंड होगी, इसलिए वो उसे जलाने के लिए नाभी की इनर्स पहनकर गेट ओपन करता है। बट वहाँ सामने कोई और नहीं बल्कि विन होता है और वो तो पोंग को नाभी के घर में ऐसे देखकर कुछ और ही समझ लेता है।
तभी वहाँ नाभी आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड देन पोंग को देखकर शिव वॉज लाइक ओ गॉड यार, हर जगह बेइज्जती कराता है ये मेरी, पागल ये यहाँ पहनने की चीज़ है क्या, निकाल इसे। विन कहता है एक्चुअली मैं तो तुम्हें हेलो बोलने आया था क्योंकि आज से मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ और दिन रात तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारे सामने वाले घर में रहूँगा। वो दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे तो यहाँ बेचारे पोंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। दैट्स वाई वो खुद विन से कहता है कि हेलो माई नेम इज पोंग, नाइस टू मीट यू, मगर आप कौन? विन कहता है आई एम विन, बट कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नाभी कहती है हाँ बिल्कुल, तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया क्योंकि हम फन कर रहे थे, सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से अगर पॉसिबल हो तो तुम मेरे रूम मत आना। एंड देन गेट क्लोज करने लगती है बट विन उसे ऐसा नहीं करने देता और कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि अपने पड़ोसी को जानना भी काफी मजेदार हो सकता है। नाभी गेट बंद करके वहां से चली जाती है जिसे देखकर विन को काफी गुस्सा आता है। अंदर पोंग जब नाभी से विन के बारे में पूछने की कोशिश करता है तभी वहां उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड सैंडी आती है। यहां आते ही वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। पोंग कहता है आई थिंक नाभी एंड विन के बीच में कुछ तो चल रहा है, तो क्यों ना इस बारे में जानने के लिए हम दोनों साथ में काम करें। जिसे सुनकर सैन वॉज लाइक माइंड योर ओन बिजनेस एंड उसका पोपट करते हुए वहां से चली जाती है। एंड बेचारा पोंग वॉज लाइक गजब बेचती है। सेम नाइट जब नाभी पब में होती है तो विन के डैड उसे कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम विन को यहाँ के काम के बारे में सब कुछ सिखा दो। नाभी कहती है ठीक है, लेकिन अगर आप मेरी मेहनत के लिए मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो कुछ और ही चाहिए। यहाँ नाभी डैड से क्या मांगती है वो हमें बताया नहीं गया, बट डोंट वरी आगे पता चल जाएगा। पब में कुछ लड़कियां नाभी का सामान उठाकर बाहर फेंक रही थी तभी वहां नाभी आकर उन्हें ऐसा करने से मना करती है। जोजो कहती है अब तुम यहाँ की मैनेजर नहीं रही और वैसे भी ये सब करने के लिए हमें हमारे न्यू बॉस ने कहा है। नाभी कहती है क्या तुम विन की बात कर रही हो? विन कहता है हाँ वो मेरी बात कर रही है क्योंकि आज से मैं इस नाइट क्लब का न्यू बॉस हूँ, यहाँ जो कुछ भी है सब मेरा है इंक्लूडिंग तुम भी, आज से तुम मेरी असिस्टेंट हो। जिसे सुनकर नाभी स्माइल करते हुए कहती है कि अभी तक तुम यहाँ के न्यू बॉस नहीं बने हो, तुम्हें 3 महीनों का वेट करना होगा और तब तक तुम यहाँ एज एन इंटर्न काम करोगे। जिसे सुनकर विन को काफी गुस्सा आता है, वो कहता है ऐसा तुमसे किसने कहा? नाभी कहती है तुम्हारे डैड ने, और अगर तुम सच में यहाँ के बॉस बनना चाहते हो तो तुम्हें 3 महीनों तक यहाँ अच्छे से काम करना होगा, फिर मैं डिसाइड करूँगी कि तुम बॉस बनने के लायक हो भी या नहीं, बट तब तक मैं ही इस प्लेस की बॉस रहूँगी। जिसे सुनकर वो सभी लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती हैं और जोजो को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती है देखा ये अभी भी तुम्हारी बात नहीं सुन रही। विन कहता है बाहर जाओ और जैसा नाभी ने कहा वैसा करो, और फिर क्या था, जिसके बाद तो जोजो को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। वेल गाइज अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर उस टाइम नाभी ने विन के डैड से क्या मांगा था, यही कि 3 महीने तक विन यहाँ का एज एन इंटर्न काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ राफाय ये सभी बातें आंट वी को बता रहा था, और जब ये बात उन्हें पता चलती है कि विन नाभी के अंडर काम करेगा तो उन्हें काफी गुस्सा आता है। विन नाभी से कहता है कि आखिर तुमने मेरे डैड पर ऐसा कौन सा जादू चला दिया है कि वो तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार है? नाभी कहती है मैंने जादू नहीं बल्कि अपना दिमाग चलाया है, एंड वहां से जाने लगती है बट विन उसे रोक लेता है और कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तो अगर तुम इतनी ही इंटेलिजेंट हो तो अपना दिमाग चलाकर इस रूम से बाहर निकल जाओ, एंड देन उसके क्लोज जाता है। जिसे देखकर नाभी क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो, उसके कान को काट देती है। नाभी कहती है ये नाइट क्लब कोई प्लेग्राउंड नहीं है जहां तुम कभी भी आकर खेल सको, यहां लोग आकर काम करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके।
वेन उसे गुस्से में पीछे धक्का देते हुए कहता है कि अगर ये प्लेस कोई प्लेग्राउंड नहीं है तो ठीक है, मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ खेलूँगा। इन 3 महीनों में मुझे और तुम्हें दोनों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड देन वहाँ से चला जाता है। वेल, अब विन की ऐसी हरकतों से नाभी परेशान तो काफ़ी होती है, बट अब वो कर भी क्या सकती है, झेलना तो पड़ेगा। पब में विन जब ड्रिंक कर रहा था तभी वहाँ एक लड़की आकर उससे बात करने की कोशिश करती है, जिसे देख कर नाभी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। नाभी कहती है तुम यहाँ के इंटर्न हो, कस्टमर नहीं, इसलिए तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। विन कहता है मैं तो काम ही कर रहा हूँ, यहाँ बैठकर सभी गर्ल्स को देख रहा हूँ कि आखिर वो कस्टमर्स को कैसे हैंडल करती हैं। एंड देन नाभी को अपने क्लोज लाता है, जिसे देखकर नाभी वॉज लाइक व्हाट आर यू डूइंग, तुम ये क्या कर रहे हो। विन कहता है मैंने कहा ना कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आखिर कैसे लड़कियाँ अपने कस्टमर्स का ध्यान रखती हैं, मगर तुमने मेरी वाली गर्ल को मुझसे दूर कर दिया तो अब मेरा ध्यान तुम्हें रखना होगा, और अगर तुम यहाँ मेरा ध्यान नहीं रख सकती या फिर यहाँ रखना नहीं चाहती तो मैं हमारी प्राइवेसी के लिए ऊपर किसी रूम में भी चल सकता हूँ। तभी वहाँ पब का एक VIP कस्टमर आता है जिससे नाभी बातें करने लगती है, तो विन भी उन्हें हेलो बोलता है। वेल, अब क्योंकि उसके फेस पर लिपस्टिक लगी हुई थी तो नाभी उसे छुड़ाते हुए कहती है कि आपको ऐसे सबूत नहीं छोड़ने चाहिए वरना घर जाकर आपकी वाइफ आप पर गुस्सा करेंगी, जिसे देखकर विन को काफ़ी गुस्सा आता है। नाभी जब वहाँ से जा रही थी तो विन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें उस बूढ़े की केयर करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था ना, क्या तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी ऑलरेडी एक फैमिली है। नाभी कहती है हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरी जॉब है। विन नाभी को परेशान कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसके डैड आकर नाभी की हेल्प करते हुए कहते हैं कि नाभी अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ। नेक्स्ट सीन में नाभी जब घर जा रही होती है तभी पीछे से विन भी आकर उसकी कार में बैठ जाता है, जिसे देखकर नाभी वॉज लाइक ओ हेलो, तुम खुद को समझते क्या हो, ये मेरी कार है, चुपचाप बाहर निकलो। विन कहता है मेरा और तुम्हारा रूम एक ही बिल्डिंग में है तो क्या तुम मुझे लिफ्ट नहीं दे सकती। नाभी कहती है बिल्कुल नहीं एंड उसे कार से बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो विन क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। विन कहता है ओ गॉड हाउ क्लमजी यू आर, अब देखो तुम्हारे लिपस्टिक का निशान मेरे फेस पर लग गया, तो प्लीज इससे पूछ दो वरना घर जाकर मुझे कोई डांटेगा। नाभी कहती है मैंने कहा बाहर जाओ। विन कहता है ठीक है चला जाऊंगा, बट ये लिपस्टिक का निशान तो पूछो। विन नहीं जाता तो नाभी खुद ही कार से बाहर जाने लगती है, जिसे देखकर विन उसे फिर से किस करता है एंड देन उसके लिप्स को कट करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिप्स पर निशान छोड़ दिए हैं, आई होप कि जब ये मेरे डैड देखें तो तुम पे गुस्सा ना करें। एंड देन बेशर्मों की तरह स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है, और बेचारी हमारी नाभी कार के अंदर रोती रह जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।